हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के सियासी संकट से। बड़ी खबर यह है कि कुछ ही घंटों का इंतजार मात्र है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया इस्तीफा दे सकते हैं कांग्रेस से। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा झटका ये कांग्रेस के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ घंटों के अंदर कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं, ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको हम बता रहे हैं। प्रतिभा, आपके चैनल एबीपी न्यूज ने यह खबर दिन की शुरुआत में ही सबसे पहले आपके सामने रख दी थी और अब मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस बड़ी खबर पर मुहर लगती हुई दिख रही है। कुछ ही देर बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया इस्तीफा दे सकते हैं, बड़ी खबर। जी हाँ, देखिए अभी अभी हमारे सूत्रों ने ये बात बताई है। बेंगलोर में तमाम जो विधायक हैं वे भी अपने अपने इस्तीफे पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और 18 विधायक अभी तक अपने इस्तीफे पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, जबकि उनके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अगले कुछ घंटों के भीतर ही अपने इस्तीफे का ऐलान कर देंगे। तो कांग्रेस छोड़ेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। सीधे लिए चलेंगे आपको हमारे सहयोगी ब्रजेश के पास, जो कि इस वक्त लाइव हमारे साथ बन गए। ब्रजेश, जैसा कि कह रहे थे, आपकी स्क्रीन पे स्क्रिप्ट तो पहले लिखी जा चुकी है, तो बस अब इंतजार इस्तीफे का और उसके बाद बहुत संभव है कि सिंधिया के इस्तीफे के बाद जो विधायकों के इस्तीफे हैं उनकी भी झड़ी लग जाएगी। सही कहा आपने, एकदम तय है क्या कुछ होना है। पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, सारे लोगों से बात हो चुकी है। यहाँ जो बीजेपी के हमारे बड़े सूत्र हैं उनको उन्होंने कह दिया है कि आज ही सिंधिया इस्तीफा देंगे और दिल्ली में इस्तीफा देंगे, बीजेपी ज्वाइन करेंगे, उसके बाद उनको राज्यसभा की टिकट दी जाएगी, राज्यसभा के से चुन के वो केंद्र में जाएंगे, वहाँ मंत्री बनेंगे। इसके अलावा जो उनके उनके समर्थक जो विधायक वहाँ पहुँच गए हैं, जिनकी संख्या थोड़ी देर बाद 21 या 22 हो जाएगी, उन तमाम लोगों से इस्तीफे लिखवाए जाएंगे। वो अपने इस्तीफे फैक्स करेंगे, यदि वो फैक्स मंजूर नहीं करेंगे विधानसभा अध्यक्ष, तो यहाँ उनको बुलाकर परेड की जाएगी। और कुल मिलाकर सारी रणनीति वैसी बनाई गई है जैसे पिछले दिनों कर्नाटक में बनाई गई थी कांग्रेस और जेडीएस की सरकार गिराने के लिए। बिल्कुल उसी रणनीति को यहाँ भी अंजाम दिया जा रहा है कि पहले जो वर्तमान सरकार है उसको अल्पमत में लाया जाए, इस्तीफे दिलवा के उसके बाद फिर दूसरी रणनीति बनाई जाए। अभी बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि हम तो अपनी समर्थन जो हमारी रणनीति है वो बाद में खोलेंगे, पहले तो बड़ी रणनीति यही है कि ये सरकार को अल्पमत में लाके सरकार गिराई जाए, जिसमें सबसे अहम रोल निभाएंगे सिंधिया और उनके गुट के सारे विधायक। बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत, आगे भी आपसे इस पूरे मामले पर अपडेट हम लेते रहेंगे। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज, सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।